और जहां तक चुनाव की जोर तोर की बात है तो उसमें तो हर कार्यकर्ता बीजेपी का मायर है और हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय अजय भट्ट जी बने हैं, वो भी मेरे बड़े भाई हैं। हम दोनों जो है एक ही सिक्के के दो पहलू, ऐसा नहीं कि हमसे अलग हैं। और जब से वो अध्यक्ष बने, आज लगभग 10 महीने होने जा रहे हैं, मैं लक्ष्मण की तरह उनके पीछे 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 जो है चल रहा हूँ। और कहीं आपको ये दिखाई नहीं दे रहा होगा कि धन सिंह रावत हैं वो क्या है, और जब वो अध्यक्ष बने तो सबसे पहले अगर माला डाली, अगर मैंने उनका स्वागत किया तो सबसे पहले धन सिंह रावत था, क्योंकि हमारी लड़ाई तब तक थी जब तक अध्यक्ष नहीं बने। उसके बाद बन गए, मैं चाहता था कि त्रिवेंद्र जी अध्यक्ष बने, मैं चाहता था कि हमारा कोई सीनियर नेता अध्यक्ष बने, और पार्टी का निर्णय हुआ कि अजय भट्ट को बनाना है, तो मुझे उसमें भी बहुत अच्छा लगा। और मैंने 2-3 भाषण भी दिया यहाँ पे कि भाई हम एकाधिक 11 हैं, कहीं किसी के मन में कोई वो नहीं है। और आपने देखा होगा कि अजय भट्ट जी ने जिस मोर्चे पे धन सिंह रावत को लगाया, मैं 24 कैरेट सोने की तरह वहां थी। लेकिन कहा जाता है कि ये देखिए भाजपा की स्थिति ये है कि उसके पास जो एक पद एक व्यक्ति के सिद्धांत की पार्टी बात करती है, लेकिन आज नेता प्रतिपक्ष भी वही है और अध्यक्ष भी वही है। उसमें माननीय अजय भट्ट जी का कोई दोष नहीं है, पार्टी की बात कर रहा हूँ, पार्टी नेतृत्व। और पार्टी नेतृत्व तो ये सिद्धांत तैयार हमारे यहाँ ये है कि वह एक आदमी पे एक पद होना चाहिए, लेकिन अगर पार्टी ने मुझे 2 पद दे रखे हैं तो मैं जबरदस्ती तो नहीं जाऊंगा कि एक पद मुझे हटा दीजिए। केंद्रीय नेतृत्व को सारा विषय यहाँ का पता है और मुझे लगता है कि केंद्रीय नेतृत्व इस पे उचित समय पे उचित निर्णय। देखो निर्णय की प्रक्रिया कई बार क्या होती है कि बहुत जल्दी हो जाती है, कई बार थोड़ा लेट लगती है। इसको इस नजरिए से देखना चाहिए कि साहब अजय भट्ट जी किसी 2 पद पे चिपके हैं। मुझे लगता है अजय भट्ट 2 पद पर नहीं चिपके हैं, लेकिन पार्टी नेतृत्व की व्यवस्था या मजबूरी देखिए कि नेता उनके पास नेता प्रतिपक्ष या अध्यक्ष के लिए दूसरा चेहरा नहीं है। नहीं, ऐसा भी नहीं है कि दूसरा चेहरा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के पास इस समय है हमारे 26 विधायक हैं और 26 के 26 विधायक जो है हमारे होनहार हैं, प्रखर हैं और अपने अपने क्षेत्रों में सब बहुत उमदा काम कर रहे हैं। ये है कि जब केंद्रीय पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगा कि नेता प्रतिपक्ष को किसको बनाना है, जिस दिन में करेगा, कल करे, परसों करे, 1 महीने बाद करेगा, वो दिन अजय भट्ट जी सहर्ष स्वीकार करके उनको। सवाल अजय भट्ट का है ही नहीं, सवाल ये कि 26 में क्या 25 विधायक फ्लोर मैनेजमेंट में, फ्लोर में सरकार को घेरने में अजय भट्ट जी की तरह माहिर नहीं, इसलिए मजबूरी में पार्टी को उन्हीं को ही एक व्यक्ति को 2 पद दे रखे। नहीं, ऐसा नहीं है। मुझे लगता है कि थोड़ा आप इस एंगल को दूसरी तरफ घुमा रहे हैं। हमारे 25 विधायक होंगे, अजय भट्ट जी सहित 26 विधायक होंगे। मुझे लगता है